गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास सेवेंथ बी का भाग सिक्स है। इससे पहले भाग पांच आपके पास आगे होंगे और आपने सुन लिए होंगे। लेसन फोर है प्रोपेगेशन का बैंक संबंधी लेन बैंक ट्रांजेक्शन। उसमें टॉपिक क्या है, बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार रुपए जमा कर सकते हैं और रुपए निकाल सकते हैं और बैंक से ऋण भी ले सकते हैं, जैसी जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसे हम बैंक कहते हैं। बैंक में कौन से खाते खोल सकते हैं? ये मुख्य रूप से इसमें पांच खाते होते हैं, बचत खाता, चालू खाता, घरेलू बचत खाता और चौथा है सावधि जमा खाता और नंबर पांचवा है संचयी जमा खाता। बचत खाता फर्स्ट सेविंग अकाउंट, ये आम जनता कोई व्यक्ति अपना जो पैसा है, अच्छा पैसा होता है, फालतू पैसा है, वो इसमें जमा कर सकते हैं और या 3 या 4% के समथिंग इस पर ब्याज मिलता है। ये आम व्यक्ति के लिए पर्सनल जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए खाता ठीक रहता है। दूसरा है चालू खाता, करेंट अकाउंट। ये मोस्टली व्यापारियों के लिए होता है, जो व्यापार करते हैं तो वो दिन में कई बार रुपए जमा कर सकते हैं और रुपए निकाल सकते हैं। इस पर बैंक ब्याज देता नहीं है, बल्कि सेवा करने के बदले में कस्टमर से, ग्राहक से ब्याज लेता है। तो ये केवल व्यापारियों के लिए है और जो आम जनता होती है वो अपना बचत खाता खोल सकती है, चालू खाता नहीं खोल सकते। ये केवल जो व्यापारी होते हैं उनके लिए होता है। तीसरा है घरेलू बचत खाता। ये इसमें बैंक एक गोलक देता है, इसमें घर में जो भी गार्जियंस होते हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, बाबा माँ जो भी इनके अच्छा पैसे होते हैं वो गोलक में जमा करते रहेंगे और एक निश्चित समय के बाद वो गोलक को बैंक ले जाएंगे और बैंक उस पैसे को बचत खाते में जमा कर देगी और जो भी निश्चित ब्याज होती है उसके साथ वापस कर देगी आपको। नेक्स्ट है सावधि जमा खाता, फिक्स डिपोजिट। इसमें एक निश्चित समय के लिए 10 वर्ष के लिए या 8 वर्ष के लिए रुपये जमा करते हैं, फिक्स जमा किया जाता है इसमें और इस पर और जो खाते होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पर बैंक अच्छा इंटरेस्ट भी देती है, 8-9% की समथिंग ब्याज मिलती है। तो इसमें बीच में भी पैसे निकाल सकते हैं लेकिन फिर ब्याज कम मिलेगा, लेकिन जो डिसाइड किया गया पहले से 8 या 10 वर्ष के लिए उस टाइम तक पैसे जमा करते रखेंगे तो ठीक इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है अपना संचयी जमा खाता। इसमें बैंक द्वारा निर्धारित किया गया 5 या 10 वर्ष के लिए रुपये जमा करते हैं लेकिन इसमें मंथली रुपये जमा करने पड़ते हैं और जो सावधि जमा खाता था इसमें फिक्स 8 या 10 वर्ष के लिए और जो संचयी है वो 8 या 10 वर्ष के लिए जमा कर सकते हैं लेकिन इसमें मंथली हर महीने रुपये जमा करते हैं एक निश्चित समय तक उस पर ब्याज मिलता है। तो इस तरह से ये 5 थे जो बैंक में से खाते खोले जाते हैं। अब ये कि खाता खोलने की विधि, आप कैसे खाता खोल सकते हैं? जब बैंक जाते हैं तो वहाँ पर निःशुल्क बिना पैसे के एक फॉर्म मिलता है, उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो भरकर जमा कर देंगे, कोई चार्ज लगेगा। फॉर्म पर कोई चार्ज लगता ना जमा करने का कोई चार्ज होता है। जब बैंक में खाता खुल जाएगा तो बैंक आपको पासबुक देती है और रुपया जमा करने की पुस्तक एक रसीद होती है और एक चेक। पहला है इसमें पासबुक। पासबुक क्या होता है? पासबुक में एक रिकॉर्ड रहता है, जब भी बैंक में खाता खोलने के बाद में रुपये जमा करेंगे या निकालेंगे तो उसका रिकॉर्ड रहता है। आप चेक कर सकते हैं कि आपने कब रुपये जमा किए, कितना रुपये जमा किया या कब निकाले, वो पासबुक में पूरा रिकॉर्ड रहता है। दूसरा है रुपये जमा करने की पुस्तक। इसमें एक 10 या 100 पेज की एक पुस्तक मिलती है, फॉर्म मिलते हैं, इसमें आप जब भी रुपया निकालेंगे तो उसे भरकर जमा कर देंगे या कुछ बैंक ये पैसा भी देती है कि बुक न देंगे, अपने यहाँ ही फॉर्म रखते हैं, वहाँ से ही आप फॉर्म लेंगे और तुरंत जमा कर देंगे और वहाँ से पैसे
निकाल सकते हैं। तीसरा है चेक, ये चेक भी 10 या 50 या 100 पेज की चेक होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं, इस पर कंप्यूटराइज नंबर पड़ा रहता है, जब भी पैसे निकालने हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं, या हमें कहीं चेक से पेमेंट करना है किसी व्यक्ति के लिए, कोई सामान खरीदा है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटराइज आपका अकाउंट नंबर सब इस पर प्रिंटेड रहता है कंप्यूटराइज। तो ये तीन चीज़ें